यहाँ से बस जो है वो रवाना हो चुकी है सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए, और ये पूरी बस आप देख रहे हैं कि किसान नेता जो है वो सारे लोग इस बस में सवार हैं। सुबह से जो हमारी बातचीत किसानों से हुई है उनका निश्चित तौर पर ये कहना है कि सरकार से जो 10वें दौर की बातचीत है उसको लेकर के वो उम्मीदों के साथ तो हर बार जाते हैं, लेकिन जो भी उनकी बातें होती हैं वो सुनी नहीं जाती हैं। किसान नेता हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज की बैठक में क्या मुख्य एजेंडा होगा, क्योंकि सरकार ने तो ये साफ कर दिया है कि दूसरे विकल्पों में किसान नेता आकर के बातचीत करें, वो लगातार जो आप लोग मांग कर रहे हैं तीनों कृषि कानून को रद्द करने की, अब विकल्प दूसरे हो उस पर बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर होगा। भोग सिंह मानसा, प्रेजिडेंट भारतीय किसान यूनियन मानसा। देखो, जिहड़ा असीं इह अंदोलन शुरू होया बेसिकली तिन्ने कानूनां नूं रद्द करन दी मंग नूं लैके शुरू होया, और सरकार बार बार जिहड़ा इन्हां नूं तार पीटो करन दी कोशिश कर रही है, विकल्प लभण दी कोशिश कर रही है। असीं सरकार नूं बिल्कुल साफ ते स्पष्ट कह चुके हैं कि जिन्नी देर ये तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम जहां अपना आंदोलन शांतमय रखेंगे, और उसके संदर्भ में हमने बकरे बकरे एक्शन किए हैं, और 26 तारीख को हमने दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने का प्रोग्राम किया है, क्योंकि 26 जनवरी हमारा गणतंत्रता दिवस है। पहले वो गणतंत्रता दिवस हम अपने जिलों में मनाया करते थे, वहाँ झंडे जलाए जाते थे और परेड की जाती थी। अब हम जहाँ बैठे हैं इसलिए हम समझ रहे हैं कि हम आज दिल्ली अपना जिहड़ा गणतंत्रता दिवस खूब धूमधाम से मनाएंगे, दिल्ली में परेड करेंगे।